Hi dear student, I am रंजन तिवारी from Lekhan Group, the smart choice for your future. Now today we are going to study the सोल्यूशन solution of physics chapter first electricity. तो ये जो मैम पेज नंबर फोर्टी सेवन का है एसचेन बुक का तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। आर द लाइट्स इन योर हाउस वायर्ड इन सीरीज के आपके मतलब कि हाउस में जो सीरीज में बल्ब जो हैं लगी होती हैं तो यहाँ पे जो सल्यूशन होगा उसमें क्या लिखेंगे नो दे आर वायर्ड इन पैलेल वो किस में वायर्ड रहती हैं पैरेलल में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द अदर बल्ब्स इन ए सीरीज सर्किट इफ़ वन बल्ब लोड ऑफ यहाँ पे क्या होगा कि अगर मतलब कि एक जो हमारी बल्ब है मतलब कि सीरीज में अगर सीरीज सर्किट में कनेक्टेड है अगर एक बल्ब जलना बंद हो जाएगी तो और सारी बल्ब का क्या होगा तो और सारी बल्ब भी हमारे यहाँ पे स्टॉप ग्लोइंग मीन जलना बंद हो जाएंगी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट हैपन्स टू द अदर बल्ब क्या होगा दूसरी बल्ब का अगर मतलब वो पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड हैं और एक बल्ब जलना बंद हो जाए तो तो और सारी बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सारी बल्ब क्या जलती रहेंगे अपने आप तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन थर्ड का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच टाइप ऑफ सर्किट सीरीज और पैरेलल इज़ प्रिफर्ड वाइल कनेक्टिंग ए लार्ज नंबर्स ऑफ़ बल्ब्स यहाँ पे हमें बताना है कौन से टाइप का सर्किट जो है बढ़िया है मीन्स कि सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए कनेक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ बल्ब्स तो ए है फॉर डेकोरेटिंग ए होटल बिल्डिंग्स फ्रॉम आउटसाइड मीन्स होटल बिल्डिंग को सजाने के लिए बाहर से कौन सा सर्किट बेस्ट रहेगा तो यहाँ पे जो हमारा मीन्स की जो सर्किट हमारा बेस्ट रहेगा वो रहेगा सीरीज सर्किट और वैसे ही बी है कि मीन्स की फॉर लाइटिंग इनसाइड द रूम ऑफ द होटल अंदर के लिए मीन्स कि अंदर की लाइट यूज़ करने के लिए कौन सा हम सर्किट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा सर्किट हो जाएगा पैरेल अंदर हम इसलिए सीरीज का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अगर हमें मीन्स की कोई एक लाइट ऑफ भी करनी होगी तो हमारी सारी लाइट ऑफ हो जाएंगी इस वजह से हम पैलेल का यूज़ करते हैं कि क्योंकि पैलेल के खुद के ओन स्विच होते हैं फिर तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो हाउ टू फोर वोल्ट इलेक्ट्रिक लैम्प कैन बी लिट ब्राइटली फ्रॉम टू टू वोल्ट सेल्स अब यहाँ पे हमें मतलब कि डायग्राम ड्रॉ करना है कि फोर वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक लैम्प है वो जो है जलता रहेगा अगर दो जो है मतलब कि दो वोल्ट के सेल लगे होंगे तो हम उसे पैरेलल में बना देंगे दो लैंप्स को जो फोर वोल्ट का रहेगा ये जब हम उसे पैरेलल में बनाएंगे और उसका दो सेल रहेगा उसमें टू वोल्ट्स के तो हमारा वो ब्राइटली जलेगा जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया आप देख सकते हैं देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सिक्स वाइज सीरीज अरेजमेंट नॉट यूज फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इन ए सर्किट अभी यहाँ पे हमें बताना है कि मतलब कि सीरीज सर्किट क्यों ज़्यादातर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस के लिए यूज़ नहीं होता है तो जैसे कि मीन्स कि ये कह रहा है कि ये सीरीज अरेंजमेंट इज़ नॉट यूज़ फॉर कनेक्टिंग

इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है अदर उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा मीन्स कि वो भी काम करना बंद कर देंगे पूरा सर्किट क्या हो जाएगा टूट जाएगा पूरा सर्किट ब्रोक हो जाएगा तो यहीं पे वही लिखा है कि द होल सर्किट इज़ ब्रोकन अब क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं अभी ये कह रहा है कि थ्री रीज़न हमें देने हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज के इन ए डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो यहाँ पे तीन रीजन देने हैं तो क्या क्या देंगे पैरेलल में वो भी अगर कनेक्टेड होगा तो तो जैसे कि ये लिखा हुआ है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इन ए डोमेस्टिक सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस मीन्स आई होप आपको पता ही होगा उसके फ़ायदे क्या क्या हैं तो यहाँ देखते हैं इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट दैन ऑल अदर अप्लाइंसिस की वर्किंग प्रॉपरली यहाँ पर क्या है कि मीन्स अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस या सपोज एक कोई बल्ब है वो जल रही है अगर वो अचानक से कोई आ, कोई प्रॉब्लम की वजह से उसमें कोई डिफेक्ट आ गया वो बंद हो गया या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज या कोई भी चीज़ हमारी जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है अगर वो पैरल में कनेक्टेड है तो और जो हमारे दूसरे अप्लायंसेज हैं वो उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब पहला उसका बंद हो गया कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपना काम करता रहेगा तो वैसे ही अब सेकेंड है ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैज़ इट ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेज अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब सब कि सबका जो है मतलब सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं या एग्जाम्पल में हम बल्ब ले लें तो वो सब क्या है कि मतलब सबके खुद के स्विच होते हैं पैल सर्किट में तो वो मतलब कि इंडिपेंडेंटली होते हैं कि उन्हें बंद मतलब कि उन्हें हम बंद भी कर सकते हैं जला भी सकते हैं और मतलब कि जैसे एक को हमें बंद करने का मन कर रहा है तो और सारे भी हमारे बंद नहीं हो जाएंगे ये ये जो फीचर्स है वो हमारा सीरीज में सर्किट में होता है अब थर्ड देखते हैं, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन यहाँ पे जो ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैं वो क्या सेम वोल्टेज पाते हैं एज द पावर सप्लाई लाइन में अब देखते हैं टेन बल्ब्स जो हैं कनेक्टेड हैं सीरीज में सर्किट टू पावर सप्लाई लाइन टेन इलेक्ट्रिकल आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू एन आइडेंटिकल सप्लाई लाइन अब ये आप यहाँ पे जो हमारा एक ए ये जो क्वेश्चन है मीन्स ये है नहीं ये ए हमारा है नहीं जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ें तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा इस ए को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे जैसे दस बल्ब जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं दस बल्ब जो हैं पैरेलल सर्किट टू तो एन आइडेंटिकल पावर सप्लाई लाइन में इसमें कनेक्टेड है तो ये ए को आप ध्यान मत दीजिएगा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो बी है मीन्स बी क्या है यहाँ पे सल्यूशन में बी को ही ए दिया गया है तो इसमें ज़्यादा ध्यान कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा सर्किट जो है हाईएस्ट वोल्टेज रहेगा उसका तो जो हमारा सर्किट है पैरेलल सर्किट क्योंकि उसमें सेम वोल्टेज आता है तो पैरेलल सर्किट क्या होगा हमारा उसका हाईएस्ट वोल्टेज रहेगा फिर सी कह रहा है मीन सी मीन्स कि क्या हमारा जो बी है इन विथ सर्किट वुड द बल्ब भी ब्राइटर कौन से सर्किट में बल्ब ब्राइटर रहेंगे मीन्स ज़्यादा जलेंगी तो ऑब्वियसली हमारे पैरेलल सर्किट में बल्ब जो है वो ज़्यादा तेज जलेंगी फिर डी है इन विथ सर्किट इफ़ वन बल्ब ब्लोज ऑफ अगर मतलब ऐसा बताना है सर्किट कौन सा है कि अगर एक बल्ब जलना बंद हो गया तो और सब भी बंद हो जाएंगे कौन सा सर्किट है ये तो ये सर्किट हमारा सीरीज सर्किट है फिर सेम विथ सर्किट वुड हैव लेस करेंट कौन से सर्किट में कम करेंट है तो सीरीज सर्किट में लेस करेंट होता है आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन कि यहाँ पे हमें डायग्राम्स दिए गए हैं उसमें से हमें बताना है कि ये ए बी सी दिया है कि ए कह रहा है इन विच सर्किट आर द लैम्स डिमेस्ट कौन से सर्किट में लैम डिमेस्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो सर्किट सेकेंड है उसमें जो है हमारी लैम्स क्या हुंगी? हुंगी. आप होंगी डिमेस्ड होंगी अब क्यों होंगे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि इसमें डिमेस्ड है क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है अगर ये पैरेलल में मीनस इसमें ब्राइटेस्ट होंगी तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन सही है कि नहीं तो हाँ यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है? सही है कि इस डायग्राम में मीन्स कि अगर ये क्वेश्चन ए में करेक्ट मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा सेकेंड वाला होगा कि मीन्स ए सर्किट ए इन विथ सर्किट द आर द लैम्प्स डिमेस्ट कौन से सर्किट में होगा तो सर्किट सेकेंड फिर कह रहा है कि इन विथ सर्किट और सर्किट्स आर लैम्प्स ऑफ इक्वल ब्राइटनेस ब्राइटनेस टू दैम्प इन सर्किट अब ये हमें बताना है यहाँ पे कौन से सर्किट में मतलब कि ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तो जैसे मैंने बताया था यहाँ इसमें डिमेस्ट होगी मीन्स यहाँ पर डी हो होगा यहाँ बी होगा मीन्स ये वाली कौन सा होगी ब्राइटेस्ट होगी तो हमारा सर्किट थर्ड हो जाएगा फिर कह रहा है कौन सी ज़्यादा लाइट देगी तो जो ज़्यादा चमकेगी वो ज़्यादा लाइट देगी मीन्स जो ज़्यादा ब्राइट करेगी वही ज़्यादा लाइट भी देगी तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा सर्किट सी ये हो गया और जो हमारे ये फर्स्ट डायग्राम है उससे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में तो ये ये हमारा कौन सा रॉन्ग डायग्राम हो गया एक तरीके से इसे हम रॉन्ग ही कहेंगे क्योंकि ना तो ये हमारा सीरीज में आता है ना पैरेलल में आता है सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो